सेवक। प्रणाम महाराज। आज हमें जगाने वाले संगीतकार कहाँ हैं? वो आए नहीं कि हम निद्रामग्न हो गए थे? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपको जगाने वाले संगीतकार प्रातः नहीं आए। नहीं आए? उन्हें हमारे कक्ष में ले आ जाए। जी महाराज। अम्मा, आपको हमारे आभूषण कैसे लगे? अति उत्तम। हे माँ, रक्षा करो। ये अम्मा और शारदा तो अभी तक दीवा स्वप्न से बाहर नहीं आए हैं। अब मुझे महाराज से भेंट करनी ही होगी, वही हमारे विजयनगर की रक्षा कर सकते हैं। आप प्रणाम महाराज। आज प्रातः आप हमें जगाने क्यों नहीं आए? महाराज, हम आपको जगाकर आपके निद्रा में बाधा नहीं डालना चाहते थे। परंतु आप हमारी निद्रा में बाधा तो अब तक प्रतिदिन डालते आ रहे थे, राज क्यों नहीं? महाराज, आज तक हम स्वयं निद्रा में थे, परंतु अब जागृत हो गए। निद्रा मग्न होने के कारण ही तो हम जागृत हुए। प्रतीत होता है आपकी निद्रा को भंग हमें करना होगा। सिपाही। जी महाराज। चाबुक ले आइए। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र खोलिए चाबुक को। सिपाही, क्या हो रहा है ये? आप सब चले जाइए यहां से। जाइए यहां से। जो आज्ञा महाराज। हो क्या रहा है हमारे राज्य में? हमारे संगीतकार, हमारे सैनिक, तरकारी वाले सभी निद्रा मग्न है। पंडित रामकृष्ण से शीघ्र भेंट करनी होगी। आइए आइए, ये वस्त्र देखिए, अति सुंदर वस्त्र। आइए आइए, ये सोने देखिए, सोने आज के लेकर जाइए। देखिए कितने सुंदर मटके दाम को मिलेगा। आइए आइए आइए, इधर आइए। अरे शेक 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 चिल्ली, शेक 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 शेक। आदाब। आइए बैठिए। आज हम आपकी दी गई प्रिय वस्तु को नगर के बाहर बने मैदान में आपके हवाले करेंगे। हम आपको इस महान कार्य को अंजाम देते हुए देखने के लिए दावत देते। हम अवश्य आएंगे। ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो अम्मा का इशारा पहले ही समझ गए थे। छोटे मियाँ, क्या अब भी तुम हमारी आनंद की राह पर नहीं चलना चाहोगे? तुम अपने सपनों के राजकुमार हो, सपने देखो और राजकुमार बन जाओ। क्या मैं सपनों में जितनी चाहूँ उतनी दंतियाँ पा सकता हूँ? हाँ, जितनी चाहो। पंडित रामकृष्ण, तुम्हारे कर्म प्रधान विचारों ने मेरे विचार के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब तुम्हारे मेहनत कश नगरवासी देखेंगे दिन में सपने। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम प्रणाम मंत्री भाई, ये दरबार में भी यही वातावरण है। सभी दरबारी दरबार में निद्रा मग्न है।
और गुरुवर और कोतवाल महोदय तो उपस्थित भी नहीं है। पंडित रामकृष्ण, हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं ये सब देखकर। महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 क्या हो महाराज, इन सबका कहने का तात्पर्य है कि जय हो। अच्छा, अद्भुत, जय हो। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा है पंडित रामकृष्ण। शेठ जी दिल्ली के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। वो स्वयं तो दिवा स्वप्न देखते ही हैं, साथ ही साथ जो भी इनके संपर्क में आता है वह भी दिवा स्वप्न रोग से ग्रसित हो जाता है। यथार्थ में क्या पंडित रामकृष्ण, धूप और पसीना, मौज सिर्फ स्वप्न में ही ली जा सकती है। शेख चिल्ली महोदय, बिना कर्म के जीवन में आनंद मिल ही नहीं सकता। तो हो जाए। क्या हो जाए? दो दोहा, और इससे ये साबित हो जाएगा कि आपका दर्शन सही है या हमारा। जिंदगी बिना कर्म किए भी मौज लेके जी जा सकती है। बुरा मत मानिएगा पंडित रामकृष्ण, आपकी विजयनगर की प्रजा आनंद पाना चाहती है। अब तो आपको हमारी सोच और हमारे दर्शन पर यकीन तो आ ही गया होगा। हम स्वयं जाएंगे इन विचित्र शेख चिली से भेंट करने हेतु। जी महाराज। रुकिए महोदय, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम सभी शेख चिल्ली महोदय के पास जा रहे हैं अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करने। जिन व्यक्तियों को शेख चिल्ली महोदय के दर्शन से लाभ प्राप्त हुआ है, शेख चिल्ली महोदय ने उन सभी को पास वाले मैदान में अपनी प्रिय वस्तु के साथ एकत्रित होने की आज्ञा दी। देखा महाराज, चलिए महाराज शीघ्र चलिए। आज आप सबको परम आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि यही है परम आनंद। अब हम आप सबकी प्रिय वस्तु को आग लगाएंगे ताकि आप सब आनंदित हो जाएं। सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन। महाराज आ गए। ये क्या कर रहे हैं आप? शेख चिल्ली महोदय, ये किस प्रकार का विचित्र दर्शन है आपका? हमारी प्रजा को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। महाराज, हम तो आपकी सारी प्रजा को आनंद की एक लौती रात दिखा चुके हैं। अब आप मेरी मानिए, आप भी आनंद की राह पर चलिए और लुत्फ उठाइए। महाराज एक बात बताएं, क्या आप ता उम्र विजयनगर पर राज करेंगे? क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? क्या आपका इंतकाल नहीं होगा? होगा, तब आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। ये ऐशो आराम, ये तख्त और ताज सब यहीं पर रह जाएगा। सब यहीं रह जाएगा। और तब विजयनगर पे आपकी जगह कोई और राज करेगा। इन
इंसान को सिर्फ कद्र उसकी करनी चाहिए जो उसके पास हो। आनंद ही एक ऐसी चीज है। अब आप भी आनंद की राह पर चलिए और ये सब तख्तो ताज का मुंह छोड़ दीजिए। वैसे भी आपकी प्रजा तो पहले से ही पराई हो गई है, अब आप राज करेंगे भी तो किस पर? महाराज, ये एक छोटी सी चीज आपकी प्रजा को इतनी आसानी से समझ आ गई। आप तो राजा हैं, आपको तो पहले समझ आ जानी चाहिए थी। सत्य कह रहे हैं आप शेख चली महोदय, हमारी तो प्रजा भी आपके रंग में रंग गई, तो हम राज किस पे करेंगे? हम भी सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लेंगे। क्या? बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने। पंडित रामकृष्णा, हमें शेख चल्ली महोदय का कुछ समाधान नहीं सोच रहे हैं। अब आप ही को हमारी सहायता करनी होगी। समस्त प्रजा शेख चल्ली से प्रभावित है। हमने यदि बल का प्रयोग किया तो ये लोग भावुकतावश इनके प्रति और आकर्षित हो जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे संन्यास लेने की घोषणा के पश्चात आप इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो अवश्य निकाल लेंगे। महाराज, महाराज आप क्या कह रहे हैं? आप इनका समर्थन कर रहे हैं, इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। महाराज कृपया अपने राजधर्म का पालन करें और अपनी प्रजा को इनके विचित्र दर्शन और शास्त्रों के आकर्षण से मुक्त कराएं। महाराज मंत्रीवर, आप ही कुछ कहिए ना। वो नहीं पंडित रामकृष्णा, जो आपको विचित्र दर्शन प्रतीत हो रहा है उसमें हमें सत्यता की सुगंध आ रही है। हम संन्यास अवश्य लेंगे, हमारा निर्णय अटल है पंडित रामकृष्णा। सुभान अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है मेरे खुदा। आज की तारीख विजयनगर के इतिहास में सबसे यादगार तारीख साबित होगी। अब हम आप सब की प्रिय चीजों को आग लगाएंगे ताकि आपको आनंद बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए। लगा दो, लगा दो। शेख चिल्ली जी, सर्वप्रथम आप मेरी लाठी को भस्म करना। आनंद ही आनंद। ए मेरे खुदा, सबको आनंद दे। एक चली महोदय, हमें अपनी तलवार सबसे अधिक प्रिय है, हम इसका त्याग करना चाहते हैं। नहीं महाराज, शुक्रिया। कुछ कर रामा, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर। मेरी सोचने समझने की शक्ति लुप्त हो गई है बंधु, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। पंडित रामकृष्ण, आप हमारी अंतिम आशा हैं, कुछ कीजिए अन्यथा यहाँ अनर्थ हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण, तुम क्या खड़े खड़े सोच रहे हो? तुम्हारा अष्ट दिग्गज का पद भी कौन सा सदा के लिए रहने वाला है? सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन। एक दिन वो आएगा, ना तो आप रहेंगे और ना ही आपका ये पद। सब खाक हो जाएगा। हाँ तो मेरी मानिए, आप भी आनंद की राह पर चलना ही शुरू कर दीजिए। सत्य कह रहे हैं पंडित रामकृष्णा,
आप सत्य कह रहे हैं शेखचिल्ली महोदय, मैंने अपनी नादानी के कारण आपके दर्शन शास्त्र को समझने में व्यर्थ ही समय नष्ट कर दिया, किंतु अब मुझे बुद्धि आ गई, मैं समझ गया। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। क्या? वाह वाह वाह! पंडित रामकृष्ण, क्या आप सत्य में शेखचिल्ली के विचार से सहमत हैं या आपकी कोई युक्ति है? मैं आपके दर्शन शास्त्र से भी पूर्णतः सहमत हूँ। न जाने बिना कारण मैं उसका विरोध कर रहा था, किंतु अब मैं आपके सिद्धांतों, आपके विचारों का प्रत्यक्ष प्रमाण सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह वाह वाह! मैं इस अग्नि के मध्य बैठकर ये स्वप्न देखूंगा कि मैं हिमालय की चांदी जैसी शीतल हिम के मध्य में बैठा हूं और आपके दर्शन अनुसार अग्नि के मध्य में बैठते हुए भी स्वप्न के कारण मुझे हिम की शीतलता और ठंडक प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका दर्शन मेरे प्राणों की रक्षा अवश्य करेगा। आपके दर्शन का प्रयोग करके मैं भड़कती ज्वालाओं के मध्य भी सुरक्षित रहूंगा, रहूंगा ना? पंडित रामकृष्ण, कहीं शेखचिल्ली महोदय के शिष्य बनकर आत्मदाह न कर ले, हमें पंडित रामकृष्ण को ऐसा करने से रोकना होगा। अम्मा, कहीं सत्य में अग्नि में न बैठ जाए। अरे ओ माँ सादा, छोड़ो मुझे, अम्मा छोड़ो। चूहा क्या बोल रही है? शेखचिल्ली, हाँ शेखचिल्ली महोदय के विचारों पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा मुझे, है कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ, ओ छोड़ो मुझे, जाओ जाओ। पंडित रामकृष्ण इतने अक्लमंद होने के बावजूद ये कैसी हरकत कर रहे हैं? आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है पंडित रामकृष्ण। आई आई पंडित रामकृष्ण, आई। गुरु के होते शिष्य को प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव, आइए आप स्वयं प्रमाण देकर अपने दर्शन, अपने सिद्धांत की सत्यता को सिद्ध कीजिए। चलिए कृपया अग्नि में प्रवेश कीजिए। आइए। पंडित रामकृष्ण सत्य कह रहे हैं, शेखचिल्ली महोदय अर्थात गुरुदेव, अपने दर्शन का प्रमाण दीजिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अग्नि आपको भस्म नहीं कर पाएगी। सत्य वचन। हाँ, चलिए गुरु शिष्य दोनों अग्नि में प्रवेश करते हैं। हाँ, आइए। शेखचिल्ली महोदय आगे बढ़िए और सबके समक्ष सिद्ध कर दीजिए यह आपका दर्शन सत्य है। आनंददाता शेखचिल्ली महोदय की जय। आनंददाता शेखचिल्ली महोदय की जय। शेखचिल्ली महोदय, अब तो आप पीछे नहीं हट सकते, यदि अभी आप पीछे हटेंगे तो आपके सभी अनुयायी आपसे दूर हो जाएंगे। अति उत्तम पंडित रामकृष्ण। अरे छोड़ दो मुझे। अरे आइए तो सही। अरे नहीं जाना हमको आपके अंदर। मैंने तो सिर्फ रामा के साथ एक शर्त लगाई थी कि इसका दर्शन सच्चा है या मेरा।
इतनी मामूली सी शर्त के लिए कोई किसी को आग में थोड़ी ढकेल देता है। ये क्या बोल रहा है शेख चिल्ली? हम तो खुद पंडित रामाकृष्णा की अकलमंदी के कायल हैं। हम तो सिर्फ इनकी आजमाइश कर रहे थे और देखिए इन्होंने कितनी अकलमंदी का काम किया। हमें तो लगा कि हम बाजी जीत ही गए, लेकिन ऐन मौके पर आकर इन्होंने पटकनी दे ही दी। अब हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो क्या आप भी मेरे दर्शन और मेरे विचारों से प्रभावित हैं? बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके मुरीद हो गए। हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे और कभी नहीं बदलेंगे। कर्म करके सफलता को पाना आप जैसे कर्मठ और अकलमंद इंसान को ही शोभा देता है, मुझ जैसे आलसी को नहीं। शिक्षिली महोदय, सबको अपने विचारों का पाठ पढ़ाते पढ़ाते आप स्वयं अपने विचारों और सिद्धांतों का पालन करना भूल गए। आप कहना क्या चाहते हैं? अपने दर्शन शास्त्रों का विचार विजयनगर के घर घर पहुंचाने के लिए आपको स्वयं कितना परिश्रम करना पड़ा, इस पर तो विचार कीजिए शेख चिल्ली महोदय। कैसे हो गया? काम करना और मेहनत करना तो हमारे दर्शन के खिलाफ है। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। अब हम आगरा जाएंगे और अपने दर्शन का विस्तार करेंगे और इस बार दोबारा मेहनत करने की गलती कभी भी नहीं करेंगे। शेख चिल्ली महोदय, हमें ये तो ज्ञात नहीं था कि आप पंडित रामकृष्ण की बुद्धिमता जांचने के लिए सब कर रहे थे, परंतु मैं पूर्ण विश्वास था कि आप जो भी समस्या उत्पन्न करेंगे उसका समाधान पंडित रामकृष्ण अवश्य ढूंढ निकालेंगे। और इसी कारणवश हमने संन्यास लेने का मिथ्या नाटक किया था। पंडित रामकृष्ण, जिस प्रकार सूरज और चांद सच है, उसी प्रकार आपका और मेरा दर्शन भी सच है। अब हम ये आपकी प्रजा पर छोड़ देते हैं। हमारे बताए गए फलसफे को जिंदगी में उतारना है या आपके दर्शन को? शेक, 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 चिली। ओए शेक चिली, आपका फलसफा अपने जीवन में धारण करने का परिणाम हम देख चुके हैं। मुझे मेरी प्रिय लाठी से हाथ धोना पड़ा। शेख चिल्ली के चक्कर में हमने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली शेख चिल्ली को दे दी। हमारी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली जल रही। हमारी तलवार महाराज, हमारे संकेत देने पर हमारे सिपाही ने यह तलवार वहां से निकाल दी थी। धन्यवाद महामंत्री जी। और अब महामंत्री जी, शीघ्र अतिशीघ्र शेख चिल्ली महोदय की सवारी आगरा के लिए रवाना की जाए। हाँ। और स्मरण रहे, आगरा से पूर्व कहीं ये सवारी रुके ना। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्णा महाराज, आपने पुनः एक बार अपनी बुद्धिमता से हमारी और समस्त विजयनगर राज्य की रक्षा की।
धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। प्रस्थान करते हैं। एक चली महोदय, आगरा रवाना होने से पूर्व हम चाहते हैं कि आप एक बार हमारे साथ भोजन का आनंद अवश्य उठाएं। सही नसीब, इजाजत। पंडित रामकृष्ण, आपको स्मरण करा दें, कल दरबार में आपको मिथिला नरेश की चुनौती पूर्ण करनी है। 3 दिनों के भीतर विजयनगर राज्य में सबसे अधिक सत्य बोलने वाले व्यक्ति को आप ढूंढ निकालेंगे और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करेंगे कि हमारे राज दरबार में हमारे समक्ष सभी पूर्णतः सत्य नहीं कहते। ईश्वर, मैं शेख चिल्ली महोदय के कारण इतना उलझा रहा कि समस्या के विषय में कुछ सोचा ही नहीं। ज्ञात नहीं कल दरबार में क्या होगा। अरे पंडित गुरुवर, इससे पूर्व कि आप मुझे डांटे, मैं ये बता देना चाहता हूँ महाराज कि दरबार आने से पूर्व मैं माँ के मंदिर गया था उन्हें धन्यवाद अर्पण करने के लिए। कहे कि उनकी कृपा से हमें शेख चिल्ली महोदय से मुक्ति मिल गई, तो सभी की उज्जवल भविष्य के लिए मैंने माँ के चरणों में प्रसाद भी चढ़ाया, सबके लिए लेकर भी आया हूँ। महाराज यदि आप अनुमति दें तो। अवश्य अनुमति है पंडित रामकृष्ण जी। पंडित रामकृष्ण, हम गुरुवर हैं। हाँ हाँ, गुरुवर हैं। ये लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। धन्यवाद। ये लीजिए। प्रसाद सभी में वितरित कर दिया, बस केवल मैं बचा हूं तो मैं भी। उचित है, परंतु पंडित रामकृष्ण आशा करते हैं कि आपने विजयनगर राज्य के सबसे अधिक सत्य बोलने वाले व्यक्ति को खोज निकाला है, क्योंकि स्वयं हम और मिथिला प्रदेश से आए राजदूत आदित्य प्रकाश स्वर्ण पात्र लिए उस व्यक्ति से भेंट करने हेतु प्रतीक्षा कर रहे, तत्पर हैं। और उसके पश्चात आपको यह सिद्ध करना होगा कि हमारे समस्त दरबारी मिथ्या वचन बोलते हैं। पंडित रामकृष्ण, स्मरण है ना आपको? जी महाराज। चलिए सिद्ध कीजिए। पंडित रामकृष्ण, आप ठीक तो है? मंत्री जी, महाराज राजवैद्य को बुलाया जाए शीघ्र। जो आज्ञा महाराज। हम नहीं महाराज, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके दरबार में मेरे असत्य बोलने का दंड है। महाराज, मैंने जो प्रसाद दरबारियों में वितरित किया है वो वास्तव में एक चमत्कारी बूटी है, जो किसी भी मिथ्या वचन बोलने वाले के शरीर पर प्रभाव डालती है और
इस प्रकार उसके शरीर पर सींग उगाते हैं। राजदूत आदित्य प्रकाश द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए और कोई विकल्प नहीं था मेरे पास महाराज। महाराज मेरे पास इसका काट भी है। ये एक और बूटी, किंतु जिस दरबारी ने दरबार में कभी भी मिथ्या वचन ना कहे हो उसे इस बूटी को खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बूटी इन्होंने प्रसाद के रूप में ग्रहण की थी वो सत्यवादी व्यक्ति पर अपना प्रभाव नहीं डालती महाराज। पंडित रामकृष्ण बूटी हमें दीजिए। पंडित रामकृष्ण हमें दीजिए। पंडित रामकृष्ण जी सर्वप्रथम मुझे दीजिए, मेरे नौ नौ बच्चे हैं, सोचिए उनका क्या होगा। शांत हो जाइए सभी। महाराज पंडित रामकृष्ण जी। महाराज पंडित रामकृष्णा, हमें पूर्व ही ज्ञात था कि ये आपका कोई नया प्रपंच है। हमने सब कुछ ज्ञात होते हुए भी बूटी मांगने का नाटक किया। ऐसा हमने शेष दरबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया, अन्यथा महाराज के समक्ष कोई स्वीकार नहीं करता कि उसने कभी दरबार में मिथ्या वचन भी बोले हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमारे सभी दरबारी मिथ्या वचन बोलते हैं। गुरुवार गुरुवार जी है? क्षमा करें महाराज, ये सिद्ध करने के लिए कि आपके दरबार में सभी दरबारियों ने कभी ना कभी मिथ्या वचनों का प्रयोग किया है, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। एक क्षण पंडित रामकृष्णा, एक क्षण, कृपया हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने हमें प्रसाद दिया, सभी दरबारियों को प्रसाद दिया, परंतु महाराज को और राजदूत महोदय को प्रसाद नहीं दिया। आपने राजदूत महोदय को प्रसाद नहीं दिया, ये हम समझते हैं कि राजदूत महोदय दरबारी नहीं है, परंतु आपने महाराज को प्रसाद क्यों नहीं दिया? गुरुवर, ये किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं आप है? पंडित रामकृष्ण आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या विजयनगर राज्य में सत्य बोलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है?
है महाराज, क्यों नहीं है? है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंडित रामाकृष्णा, उस दिवस तो आपने कहा था कि संसार में ऐसा व्यक्ति खोज पाना अत्यंत कठिन है जिसने कभी जीवन में मिथ्या वचन ना बोला हो, और अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति विजयनगर में उपस्थित है। जी गुरुवर, उपस्थित है और सहस्त्रों की संख्या में उपस्थित है। हाँ, अंतर केवल इतना है कि वो अभी तक व्यक्ति नहीं बने। सहस्त्रों की संख्या में? ये पंडित रामाकृष्णा, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है गुरुवर कि वो अभी नन्हे बालक हैं। एक से दो वर्ष की आयु के नन्हे शिशु, और क्योंकि उन्होंने अभी तक बोलना नहीं सीखा तो वो मिथ्या वचन कैसे बोलेंगे महाराज? अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। अब इसका अर्थ तो ये हुआ कि राजदूत महोदय, आपको एक या दो नहीं अपितु अनेक स्वर्ण पात्र विजयनगर राज्य में वितरित करने होंगे। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ज्ञात है मिथिला नरेश ने केवल यही पात्र भेजे। आप एक काम कीजिए, ये पात्र जो आप पाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये पात्र पंडित रामकृष्ण के पुत्र भास्कर को प्रदान करें। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। हाँ, आज हमारे भास्कर के लिए भेंट आई है। अभी कहाँ से? मिथिला प्रदेश से, और वो भी शुद्ध स्वर्ण से निर्मित। और इसी कारण तुम मेरे सर पर तेल लगा रही हो, है ना अम्मा? अरे कौन मूर्ख है जो खिड़की इतनी जोर से बजा रहा है? चिल्ला रहा है, जाके देख। नहीं नहीं, तुम भी चलो ना। जो भी होगा आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी नहीं भूलेगा। चलो चलो चलो। मैं देखूं? कोई नहीं है। अम्मा के डंडे को देखकर भाग गया होगा। हमारे Oh.
अभी गुरुवर के घर जा और धनी मनी की शिकायत कर। शारदा तुम ऐसा, हम नहीं अम्मा कह रही है। हम तो कह रहे हैं कि आप कोतवाल महोदय के यहाँ अभी चले जाइए और धनी मनी की शिकायत कीजिए। इस बार तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। शारदा देखो, धनी मनी मूर्ख अवश्य है किंतु चोर नहीं है। स्वर्ण पात्र कोई और चुरा ले गया। हमें और कुछ नहीं सुना, हमें हमारा स्वर्ण का पात्र पुनः चाहिए। अम्मा भी कह रही पुनः चाहिए। किंतु मैं उचित है, उचित है। से क्या कम समस्याएं हैं, जो अभी एक नई समस्या भी आ गई। उसे ग्रंथों का अनुवाद का कार्य भी पूर्ण करना है। गुरुवर के घर जाना ही उचित रहेगा, अन्यथा ये दोनों मुझे व्यथित करती रहेंगी। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मा शारदा, बापू तुमसे त्रस्त होकर भागने की योजना बना रहे हैं। कहाँ जाऊंगा शारदा, स्वर्ण पात्र ढूंढने जा रहा हूँ। उचित है, जाइए जाइए। ये ग्रंथों की पोटली क्यों लेकर जा रहे हैं? चोर को शास्त्र का ज्ञान दूंगा कि भाई चोरी चकारी करना छोड़ दो। कहे कि मुझ जैसे भोले भाले मनुष्य को कष्ट होता है ना, इसलिए। अच्छा, अरे अनुवादित ग्रंथ गुरुवर से निरीक्षण करवाना है, इसलिए ले जा रहा हूँ। आपकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, परंतु कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास करने के लिए। और हाँ, धनी मनी की शिकायत अवश्य कीजिएगा। उचित है, उचित है। वैसे तो स्वामी के वस्त्र कभी दूषित हो ही नहीं सकते, परंतु आज के मुहूर्त के अनुसार स्वामी के सभी वस्त्रों को एक साथ धोने के लिए अति उत्तम दिवस है, इसीलिए हम की संपूर्ण वस्त्र एक साथ ही धो दिए। स्वामी को जब ये ज्ञात होगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। ए धनी मनी, ए कहां मर गए ये दोनों? अरे द्वार खटखटा रहा है, कोई देखो। कौन है, कौन है, कौन है जो पीछे का द्वार खटखटा सकता है? कौन है? कोई नहीं है। क्या है, है? ये वस्त्र ना फाड़ दे। ए बंद, बंद, हट, हट, बंद, बंद, हट, बंद, हट, 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 बंद। ऐसे नहीं मानेगा तू? तुझे अभी सबक सिखाते, अभी सबक सिखाते हैं तुझे। बंद, 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 बंद। क्या 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 कर रहे हो? है वाहनर, हम तो शांति दूसरे, हम परिहास कर रहे थे आपके साथ। देखो तुम्हें जितनी उछल कूद मचानी है मचाओ, जितनी गुलाटियां लगानी है लगाओ, पर हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है इन वस्त्रों को मत छू। है हमारी धोती, धोती धोती हमारी धोती। हमें क्या थे, आप यहाँ हमारे स्वामी के दर्शन करने के लिए पधारे, हमारा प्रणाम स्वीकार करिएगा।
अरे वरुण माला क्या आरती उतार रही है, उसकी वानर है वो। स्वामी ध्यान से देखिए, ध्यान से, वो ईश्वर रूप में हमारे आंगन में देवता पधारे हैं यहाँ पर, ये तो भोग लगाना चाहिए भोग। अरे मूर्खो खरी क्या देख रहे हो, भगाओ मारो तुम, भगाओ भगाओ। जी गुरु जी, जी गुरु जी, अभी भगाते हैं। इस धोती को कुछ मत करना, ये हमारी खानदानी धोती है। गुरु जी यदि धोती इतनी प्राचीन है तो बारह रात को फाड़ने दीजिए, फाड़ने के बाद ये स्वतः ही चला जाएगा। ये जाएगा मैं। अरे अरे हमारी धोती के प्राणों की रक्षा करो कोई, अरे बचाओ हमारी धोती को बचाओ। अरे छोड़ छोड़ छोड़, चल गया। हाँ बच गई, बच गई हमारी हमारी खानदानी धोती, बच गई बच गई। महाराज, महाराज जी, महारानी चिन्ना देवी जी। महाराज, अरे वाह, आप तो अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही हैं। जी महाराज, आज हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं। ये देखिए, ये पत्र आया है, आज हमारे मायके से कोई आ रहा है। क्या? हाँ? क्यों? कौन आ रहा है महारानी चिन्नादेवी, कौन आ रहा है? हमारे राज्य के रक्षा मंत्री स्वामी चित्राक्ष महोदय, वो हमारे राज्य से कोई बहुमूल्य धरोहर यहाँ विजयनगर लेकर आ रहे हैं महाराज। और अब हमारे सास ससुर तो नहीं आ रहे महाराज? काश कि वो भी आ पाते, हम उनके आगमन की तैयारी करते हैं। आप निश्चित रहिए। जी महाराज, उचित है, हम भी आते हैं अभी। अरे अरे, सारे वस्त्र का लुप्त हो गए, ये वस्त्र का चल गए, हमारे सभी वस्त्र चोरी हो गए। वरुणमाला वरुणमाला वरुणमाला, क्या हुआ? वरुण माला, ये सब बस हम समझ गए स्वामी, ये सब आप ही का चमत्कार है। हाँ स्वामी, कैसी बातें कर रही हो, भला चमत्कार करके हम अपने वस्त्र क्यों लुप्त करेंगे वरुण माला? क्योंकि अब आपकी महानता और भी बढ़ गई है स्वामी। हाँ? अब ये साधारण वस्त्र आपके शरीर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को संचित नहीं कर पा रहे हैं, असक्षम है, इसीलिए स्वयं आपने अपनी शक्ति द्वारा इन सब वस्त्रों को लुप्त कर दिया। हम समझ चुके हैं, अब आप मात्र भगवा वस्त्र ही धारण करेंगे। हमने सुना है मात्र भगवा वस्त्र में ही ऊर्जा को समाहित करने की असीम शक्ति है। अरे वरुण माला, किसने कहा था आपको एक ही दिवस में हमारे सभी वस्त्र धोने के लिए? स्वामी, आज का दिवस अत्यंत ही शुभ है। हाँ, वो तो हमने देख लिया, प्रातः होते ही वानर ने आक्रमण कर दिया और उसके बाद किसी ने हमारे सभी वस्त्र चुरा लिए। ये कोतवाल का बच्चा किसी काम का नहीं, उसके होते नगर में चोरी कैसे हो गई? नहराज नहराज नहराज, लंगड़ा कोतवाल, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, महाराज से उसकी बात करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इस कोतवाल को, छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे।
प्रणाम गुरुवर। कहीं ये सब इस रामा का तो प्रपंच नहीं? हमारे वस्त्र चोरी करवा के अब हमारा उपहास उड़ाने आया है। पंडित रामकृष्णा जी। गुरुवर, इस पोटली में क्या है? वही है जो प्रतिदिन होता है। क्या होता है? ग्रंथ है गुरुवर। ओ, तो इसका अर्थ है कि रामा ने हमारे वस्त्र नहीं चुराए हैं। किंतु बात क्या है, आप तनिक चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। असल में हमारे गुरुजी है ना, अब बस एक ही जोड़ी कपड़ों में रह गए। क्यों उपहास करते हैं धनी महोदय? हर मनुष्य एक जोड़ी वस्त्र में ही रहता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पंडित रामकृष्णा जी, धनी का कहने का अर्थ ये है कि गुरुजी के पास अब एक ही वस्त्र बचे जिसमें हमको पूरा जीवन निकालना पड़ेगा। हाँ, क्यों गुरुवर, कहीं आपने भी अम्मा की भांति कोई व्रत तो धारण नहीं कर लिया? नहीं नहीं पंडित रामकृष्णा जी, गुरुजी ने कोई मौन व्रत नहीं रखा है। गुरुजी के सारे वस्त्र चोरी हो गए। क्या? अरे बड़ा दुख हुआ सुनकर, किंतु कब, कैसे, कहां, क्यों? पंडित रामकृष्णा जी। गुरुवर, आप ये जले पर नमक मत छिड़की। अच्छा, हम वैसे ही बहुत जले हुए। आप बस ये बताइए कि आपका यहाँ आने का मंतव्य क्या है? वही है गुरुवर जो प्रतिदिन होता है। क्या होता है? ग्रंथों का अनुवाद करना है गुरुवर, आप भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम पंडित रामकृष्णा, अत्यंत उचित अवसर पर आए हैं आज आप। हमने स्वामी के लिए रसम बनाया है, एक बार स्वामी भोग लगा ले, तत्पश्चात आपको और धनी मनी को रसम का प्रसाद देंगे। धन्य हो, धन्य हो, अहो भाग्य मेरे कि आपके स्वामी आपके प्रभु के कारण मुझे भी रसम पीने को मिलेगा। वरुणमाला, हमें रसम देकर भोग लगा लो, उसके पश्चात हम पंडित रामकृष्णा जी के साथ बैठकर रसम ग्रहण करेंगे। जो आज्ञा स्वामी। लाइए। पंडित रामकृष्णा जी गुरु, सर्वप्रथम आप और हम बैठकर रसम ग्रहण करेंगे, उसके पश्चात कार्य आरंभ करेंगे। आप बैठिए। हाँ। धनी मनी जी गुरु जी, हमारे साथ भीतर आओ, हम अभी आते हैं। आहा, रामा, अनुवाद का कठिन कार्य करने से पूर्व रसम पीने को मिलेगा, आज दिन शुभ है। सो जा, भुक्कड़ कहीं का। गुरुजी ने आपको स्मरण किया है। जल्दी से जाइए, जाइए, जाइए आप। आपने हमें स्मरण किया? हमने नहीं। हाँ, वरुणमाला, हमारे लिए और पंडित रामकृष्णा के लिए जल लेकर आइए। जी। चले चले, ये लीजिए। अरे मैं सब संभाल गया। गुरुजी, ये वाला नहीं, वो वाला लीजिए। ओह, पंडित रामकृष्णा लीजिए, रसम ग्रहण कीजिए। हाँ जी 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 गुरु, लीजिए लीजिए। स्वामी जल। अरे हाँ वरुण माला, ये जल क्यों लेकर आ गई आप? जल पीकर ही पेट भर जाएगा तो रसम क्या पिएंगे हम? ले जाओ, वापस ले जाओ। परंतु आप ही ने तो। अरे हमने कहा था कि ले आओ, अब हम कह रहे हैं कि ले जाओ, जाओ। ये रसम पीने के पश्चात हम आपको जल तक ग्रहण नहीं करने देंगे पंडित रामकृष्णा।
लीजिए पंडित रामकृष्ण जी। गुरु लीजिए लीजिए पंडित रामकृष्ण जी, उठाइए। पीछे पीछे रामकृष्ण जी। अरे लीजिए, ग्रहण कीजिए, रसम ग्रहण कीजिए। हाँ लीजिए लीजिए। ग्रहण कीजिए, लीजिए लीजिए। रसम था गुरुवर, गुरु माता ने क्या रसम बनाया है। पंडित रामकृष्णा, हमें ज्ञात नहीं था आपको तीव्र मिर्च वाला रसम अच्छा लगता है। हाँ गुरुवर, रसम में मिर्च अधिक नहीं थी, इतनी मिर्च तो मेरे लिए सामान्य है। अच्छा, गुरु माता ने बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में मिर्च डाली है इसमें। अरे आप भी ग्रहण कीजिए कीजिए कीजिए। ग्रहण कीजिए पंडित रामकृष्ण। अरे वो क्या है? क्या है? कहाँ? अब नहीं, अब मुझे उधर लगा कि कुछ है। अरे हाँ, वो वानर होगा। प्रातः भी एक वानर था, उसने हम पर आक्रमण कर दिया। ओहो, और वो ले गया। क्या ले गया? वो उसने वो हमारी खानदानी धोती कर फाड़ दी। लंगोट तो सुरक्षित है ना गुरुवर? एक ही है जो हमने धारण किया हुआ है। अच्छा छोड़िए, ग्रहण कीजिए। हाँ रसम। प्रतीत होता है रामा, आज गुरुवर अनुवाद करने में तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे। मुझे भी यही प्रतीत होता है बंधु। चल चल यहां से निकल, भाग यहां से, भाग। यहां निशुल्क फल नहीं मिलता, जा भाग। वृक्ष के ऊपर से फल खा, चल भाग यहां से। अरे महोदय, इस बेजुबान को क्या पता कि फल मोल लिए जाते हैं। इसे तो यही ज्ञात है ना कि ईश्वर ने सभी के लिए निशुल्क फल उगाए हैं। वहीं रहना, नीचे मत आना। आ!
फल। अरे क्षण भर में सभी फल कहाँ लुप्त हो गए? रामा, तेरे घर से स्वर्ण पात्र की चोरी, गुरुवर के वस्त्रों की चोरी और अब इस फल वालों के समस्त फलों की चोरी, प्रतीत होता है विजयनगर में कोई अत्यंत ही शातिर चोर प्रवेश कर गया है। हाँ बंधु, मुझे भी यही प्रतीत होता है, किंतु इतनी तीव्र गति से कौन चोरी कर सकता है? कहाँ गए मेरी मिठाइयाँ, कहाँ गए? मैं वानरों को भगाने क्या गया, किसी ने मेरे संपूर्ण मिष्ठान ही चुरा लिए। हे ईश्वर, मेरी दुकान के सारे पुष्प कहाँ चले गए? ईश्वर, मेरी दुकान से कोई वस्त्र चुरा कर ले गया, कौन है, किसने किया ये सब? समय आपको और ईश्वर सुनाई देगा। हम उन्हें दीक्षा दे रहे मंत्र उच्चारण की। क्या दे रहे हैं स्वामी? मंत्र उच्चारण की दीक्षा दे रहे हैं। मंत्र उच्चारण? परंतु आपकी कंठ को क्या हुआ है स्वामी? हमें अभ्यास कर रहे हैं। आप तीनों ये कैसा अभ्यास कर रहे हैं? आओ अब स्वयं देखो। सकुशल है जी स्वामी, सही से अभ्यास कर रहे हैं। विश्वास हो गया? विश्वास? हाँ स्वामी, आप पर अविश्वास तो असंभव है। धन्यवाद, जाइए हमें अभ्यास कराना है। अभ्यास जी, अभ्यास। गुरुजी, वो हमारी त्रुटि नहीं थी, हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। ऐसी छोटी बच्ची थी, उसमें भी हम गिरा दिया। अब हमें खानदानी धोती पहनकर, फटी धोती पहनकर दरबार जाना होगा। मुझे आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत, धोती उतारिए, धोती उतारिए, धोती अभी धो देंगे, अच्छे से धोएंगे, धोती धोती गुरुजी। मत मारिए गुरुजी, मत मारिए। अच्छा ये धोती उतारेंगे तो आरी आती नगर कोतवाल, हमने सुना है हमारे नगर में बहुत सी चोरियां हो रही हैं। मुझे ज्ञात नहीं। आपको ज्ञात नहीं है? मंत्री, मैं सो रहा था, सिपाही ने जगाया और मैं सीधे यहाँ चला आया। कोतवाल, यहाँ नगर में इतनी चोरियां हो रही हैं और आप शांति से सो रहे हैं? सो रहा था? नहीं मंत्री, मैं सोच रहा था। आपने सो रहा था सुना क्या? जी नहीं नहीं मंत्री, मैं सोच रहा था, परंतु महाराज का आदेश था, सो सीधे राजमहल चला आया। आग में मुझे कुछ भीड़ दिखी, मैंने सोचा जांच पड़ताल करूं, लेकिन तत्काल राजमहल पहुंचना था, सो सीधे यहाँ चला आया। देखो नगर कोतवाल, ये हम आपको अंतिम चुनाव। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमको अति शीघ्र बुलाया, कोई विशेष प्रयोजन? जी महामंत्री, महारानी चिन्ना देवी के मैके से अमूल्य धरोहर लेकर एक सैन्य टुकड़ी आ रही है। हम चाहते हैं कि आप सीमा तक जाएं और ससम्मान उन्हें राजमहल तक लेकर आएं। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद। कोतवाल चलो। जी मंत्री।
पंडित रामकृष्ण दोनों ही अनुपस्थित हैं। महाराज महाराज आ गए आ गए। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण पुनः विलंब से। क्षमा करें महाराज, किंतु वो स्वर्ण पात्र जो मिथिला नरेश ने उपहार स्वरूप दिया था वो चोरी हो गया। क्या? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, वो अत्यंत ही चतुर चालाक चोर है और मात्र मेरे ही घर से नहीं गुरुवर के घर से भी चोरी हुई है। उनके तो सभी वस्त्र चोरी हो गए महाराज। गुरुवर के घर भी चोरी? हाँ, ये देखिए वस्त्रहीन दरबार में नहीं आ सकते थे, कदाचित इसी कारण उपस्थित नहीं हुए बेचारे। चाहे आंधी आ जाए या तूफान, विजयनगर राज्य के राजगुरु तथाचार्य को दरबार में आने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हमारे सभी वस्त्र चोरी हो गए, परंतु हम फिर भी दरबार में आए। एकमात्र ये धोती बची थी महाराज, हमारी पारिवारिक धरोहर, हमारे दादा परदादा की धोती, और इस धोती को भी एक दुष्ट वानर ने फाड़ दिया। परंतु हम फटी हुई धोती पहनकर चले आए महाराज। हमने अपनी समस्त प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, क्योंकि हमारे लिए राजधर्म सबसे श्रेष्ठ है महाराज। हम अपने कर्तव्य को समझते हैं महाराज, इसीलिए हम विजयनगर राज्य के सबसे विश्वास पात्र और कर्तव्य परायण नागरिक हैं। अवश्य गुरुवर, अवश्य आप हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद महाराज। ऐसे क्या देख रहे हैं? हमारे वस्त्र चोरी हुए हैं, हमारी निष्ठा नहीं। अद्भुत गुरुवर। कोतवाल महोदय, इन चोरियों के विषय में आपको कुछ ज्ञात है? महाराज शांत शांत हो जाइए। आप सब क्या समस्या है आप सभी की? महाराज मेरे सारे पुष्प चोरी हो गए हैं। महाराज महाराज मेरे संपूर्ण मिष्ठान भी चोरी हो गए। महाराज मेरे सारे फल चोरी हो गए। मेरी दुकान से वस्त्र चुरा कर ले गया कोई। शांत हो जाइए, एक एक करके विस्तार में हमें बताइए। रुको! धूमकेतु। क्या हुआ मंत्रीवर? हमें एक आवश्यक कार्य करना है। झाड़ियां प्रतीक्षा कर रही हैं। अब तुम यहीं रुको और संदूक पे दृष्टि रखो। इस संदूक में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, जिसे कुशलतापूर्वक हमें विजयनगर महारानी चिन्ना देवी जी तक पहुंचाना है। हमें ज्ञात है मंत्रीवर, आप निश्चिंत रहें। Thank you.
मंत्रीवर, मंत्रीवर, आप आज्ञा दें तो मैं निकट आऊं। आऊं? मंत्रीवर, आप चिंतित ना हो, मैं भी आपका उपचार करता हूं। क्षमा कीजिएगा। विजयनगर राज्य में चोरी की इतनी घटनाएं, वो भी सब एक साथ, आश्चर्य की बात है। हाँ महाराज, फल वाले के साथ हुई घटना का तो मैं स्वयं साक्षी हूँ। सब कुछ मेरी आंखों के समक्ष ही हुआ। मैंने स्वयं देखा कि इनकी दुकान से कैसे सारे फल क्षण भर में ही लुप्त हो गए। हमारे भी तो वस्त्र चोरी हुए हैं। और इसी प्रकार की घटना मेरे घर पर भी हुई महाराज। मिथिला नरेश ने भास्कर के लिए जो स्वर्ण पात्र भेंट स्वरूप दिया था, वो भी अचानक गायब हो गया। महाराज, जो कोई भी है अत्यंत ही चतुर चोर है, और ये समस्या हमारे विजयनगर के लिए अत्यंत ही गंभीर है महाराज। कोतवाल महोदय, इस विषय में कोई सूचना प्राप्त हुई आपको? अब कर क्या रहा है इस विषय में? महाराज, मैं अति शीघ्र ही जाकर उस चोर को पकड़ के आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बस मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं भी उसी कार्य में जुट जाता हूँ। शीघ्र जाइए मंत्री। हाँ मंत्री जी। महाराज, उन चोरों को पकड़ने में कोतवाल की जितनी बन पड़े उतनी सहायता कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हमें वो चोर हमारे समक्ष चाहिए महाराज। आप सब निश्चिंत रहिए, उन चोरों को अवश्य पकड़ लिया जाएगा और आपकी वस्तुएं आपको पुनः दिला दी जाएगी। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। महामंत्री जी। महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम, मैं शंभू राव। महाराज प्रणाम, मैं वैराज राव। प्रणाम। कहिए, क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी? महाराज, वैराज राव मेरे पड़ोसी, लेकिन इसे सदैव मेरे हरे भरे खेतों से ईर्ष्या रहती है, इसीलिए इसने अपने मवेशियों को मेरे यहाँ चरने के लिए भेज दिया। महाराज, इससे मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, मेरे संपूर्ण वर्ष की मेहनत एक पल में नष्ट हो गई। महाराज, महाराज मेरे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज, महाराज आप कोई निर्णय कीजिए। महाराज शंभुराव जी, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। और आप महोदय, अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे आप? महाराज, मैंने जानबूझ के मेरे मवेशी इनके खेत में नहीं छोड़े महाराज। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मवेशी अबोध होते हैं, उन्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसके खेत की फसल नष्ट कर दी। महाराज, इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं, जो कुछ भी हुआ अनभिज्ञता में हुआ। ये विवाद तो अत्यंत ही सरल है, इसके पूर्व की रामा इसे हल करे, हम इसका समाधान करके महाराज की दृष्टि में बुद्धिमान और न्यायप्रिय बन सकते हैं। हमारे विचार से इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए महाराज को व्यथित नहीं करना चाहिए। ये न्याय तो हम भी कर सकते हैं। न्याय चाहिए या ऐसे ही मुंह फाड़े खड़े रहने का विचार है? क्षमा गुरुवर। क्षमा गुरुवर। हाँ ठीक है। महाराज, हमें इनका न्याय करने का अवसर प्रदान कीजिए। अवश्य गुरुवर। धन्यवाद महाराज।
अच्छा सारी त्रुटि आपकी है वैराज राव महोदय, इसलिए हम निर्णय लेते हैं। महाराज के कहने पर निर्णय लेते हैं कि आपके सारे मवेशी शंभूराव महोदय को दे दिए जाने चाहिए सदा सदा के लिए। इससे जो शंभूराव को हानि हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। महाराज मेरे मवेशी ही मेरे संपत्ति है, उनके अलावा मेरा कुछ नहीं है, मेरे मवेशी मुझसे मत छीनिए। आपको अपने मवेशियों को शंभूराव के खेत में छोड़ने से पूर्व यह सोचना चाहिए था वैराज राव महोदय। अति उत्तम अति उत्तम, इसे कहते हैं न्याय गुरुवर। गुरुवर आज आपने पुनः सिद्ध कर दिया कि आप कितने न्याय प्रिय हैं। शांत हो जाइए आप सभी। क्या बात है पंडित रामकृष्णा, आप इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं? आपको हमारे निर्णय पर कोई संदेह नहीं हो रहा है? पंडित रामकृष्णा जी महाराज, इस विषय में आप भी अपने विचार रख सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसमें यदि आपको न्याय देना होता तो आप क्या कहते? अवश्य ही पंडित रामकृष्णा हमारे विषय में विपरीत कहेगा, इसे तो अवसर चाहिए हमें अनुचित सिद्ध करने का।